अपने अब्दुल्लाह आज भी उस पत्थर को पहचानता हूँ। इन्नी लारी फुलान आज भी मैं उसको पहचानता हूँ। मुझे बताया जाए अगर आज कमर भाई की शादी में अगर हम गुलामाने मोहम्मद नबी की बारगाह में दरूद पाक पढ़ें, अगर एक पत्थर मुस्तफा पर दरूद पड़े तो मेरे आका मदीने में जाकर भी उसको पहचानते हैं। तो मेरा यकीन कहता है अगर आज के इस प्रोग्राम से हम नबी की बारगाह में दरूद पढ़ेंगे तो यकीनन गुंबद खदरा के मकीन हमको कयामत में पहचान लेंगे। इस उम्मीद के साथ जरा एक मर्तबा और पढ़ें, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैक या रसूल अल्लाह सलातुन व सलामन अलैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ साआतें कुछ लम्हे ऐसे बनाए हैं, अल्लाह उसमें अगर अपने बंदे से बंदा अपने रब से किसी चीज के बारे में अगर सवाल करे तो मौला उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता है बल्कि उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो तीन मौके हैं जब बंदा अपने रब से किसी चीज के बारे में मांगता है तो मौला उसके हाथ नीचे बाद में जाने देता है, पहले उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। एक मौका तो वो है कि जब रात की तारीकी हो, आधा वक्त गुजर चुका हो, बंदा अपने बिस्तर से उठे और अपने रब की बारगाह में किसी चीज के बारे में सवाल करे तो मौला उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। दूसरा मौका वो है कि बंदा फर्ज नमाज पढ़ने के बाद जब बैठ जाए अपने रब से जो मांगेगा मौला उसको अता फरमा देगा। तीसरा मौका वो है मेरे आका फरमाते हैं जब बंदा रोजा रखे और शाम को इफ्तार के लिए बैठ जाए तो उससे कबल जो कुछ भी अपने रब से वो मांगेगा मौला उसको अता फरमा देगा। सईद भाई और इस जलसे में आने वालों आज हमने जमाने का जायजा लेकर के देखा, हमने लोगों को देखा, लोग आज भी मांगते हैं और नबी के दौर में भी मांगते थे, लोग हिंदुस्तान में भी मांगते हैं, जर्मनों जापान में भी मांगते हैं, लेकिन मांगने का तरीका सबका अलग अलग है, मांगने का मिजाज सबका अलग अलग है, सबकी फितरत अलग अलग है। कोई कहता है मौला मुझे माल अता कर दे, कोई कहता है मौला मुझे जमीन और जायदाद अता कर दे, कोई कहता है मौला मुझे बैंक बैलेंस अता कर दे, कोई कहता है मौला मुझे शोहरत अता कर दे, कोई कहता है मौला मुझे प्रॉपर्टी दे दे, कोई कहता है मौला मुझे वकार अता कर दे, कोई कहता है मौला मुझे जहन्नम से बचा ले, कोई कहता है मौला मुझे जन्नत अता कर दे, कोई कहता है मौला मुझे औलाद अता कर दे, कोई कहता है मौला मेरा खात्मा ईमान पर फरमा दे। मगर आज के जलसा में आने वालों गुलाम बरकाती तुम्हें पैगाम देना चाहता है, अपने रब की बारगाह में माल मत मांगना, इज्जत मत मांगना, वकार मत मांगना, सेहत और तंदुरुस्ती मत मांगना, जन्नत मत मांगना। आप कहेंगे फिर मौलाना अपने रब की बारगाह में अगर माल भी ना मांगे, इज्जत भी ना मांगे, वकार भी ना मांगे, जिंदगी भी ना मांगे तो क्या मांगे? तो कमर भाई की आवाज पर लंबाई कहने वालों अपने रब की बारगाह में तो मांगना जो नबी के यार अबू बकर ने मांगा, नबी के यार सिद्दीक अकबर ने मांगा था, जो नबी के यार उमर ने मांगा था, जो नबी के यार उस्मान ने मांगा था, जो नबी के यार अली ने मांगा था, जो नबी के यार अब्दुल रहमान ने मांगा था, जो हजरत अबू हुरैरा ने मांगा था, जो हजरत बिलाल हबशी ने मांगा था, जो सलमान फारसी ने मांगा था, जो अब्दुल रहमान बिन औफ ने मांगा था। और मुझे कहने दिया जाए मांगना है तो वो मांगना जो नबी के बेटे हजरत हुसैन ने मांगा था, जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मांगा था, जो इमाम बाकिर ने मांगा था, जो इमाम जाफर ने मांगा था। बोलो 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 यार, जरा ऊंचा बोलो यार, तड़प के बोलो यार रसूल अल्लाह। मांगना है तो वो मांगना
जो इमाम आजम ने मांगा था, जो इमाम शाफई ने मांगा था, जो इमाम मालिक ने मांगा था, जो इमाम अहमद बिन हम्बल ने मांगा था, जो इमाम तहावी ने मांगा था, जो इमाम कुदूरी ने मांगा था, जो इमाम इब्ने सीना ने मांगा था, जो साहिब मगरिब ने मांगा था, जो साहिब ज़खरिया ने मांगा था, जो इमाम शमसुल इम्मा ने मांगा था, और मुझे कहने दिया जाए मांगना है तो वो मांगना जो मेरे बगदाद के होश ने मांगा था, मांगना है तो वो मांगना जो अजमेर के अताए रसूल ने मांगा था, जो मेरे कलियर के अलाउद्दीन ने मांगा था, जो दिल्ली के निजामुद्दीन ने मांगा था, जो मुरादाबाद के नईमुद्दीन ने मांगा था, जो रामपुर के हाफिज शाह जमालुल्लाह ने मांगा था, और मांगना है तो वो मांगना जो बरेली के इमाम अहमद रजा ने मांगा था, और मांगना है तो वो मांगना जो बरेली के अख्तर रजा था। माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम बरकाती, सर जमीने बहादुर गंज। भाई वाह बाबा जिंदाबाद। शहीद भाई कहेंगे गुलाम बरकाती, इन बुजुर्गों ने रब की बारगाह में क्या मांगा था। आज भी मैंने तसव्वुरात और तखय्युलात की दुनिया में सरकार तादुश्शरिया के रोजे अनवर पर जाकर के अर्ज किया, ए मेरे सरकार तादुश्शरिया, इन बुजुर्गों ने रब की बारगाह में क्या मांगा था। तो आज भी आपके गुंबद से हम गुलामों के नाम एक पैगाम नशर, इन बुजुर्गों ने रब की बारगाह में माल नहीं मांगा, इज्जत नहीं मांगी, वकार नहीं मांगा, जन्नत नहीं मांगी। आज भी आवाज आती है नादान, अगर रब के बारगाह में मांगना है तो माल मत मांगना, दौलत मत मांगना, रब के बारगाह में अर्ज करना मौला माल दे या मत दे, मगर आमिना के लाल का प्यार, मीना के लाल का इश्क अदा कर दे। और लाई के मुबारकबाद कमर भाई, आपने इन उलमा को बुलाया, बड़े बड़े उलमा शोरा यहाँ पर तशरीफ फरमा है आए हैं। मुझे बताओ हमारे हसीन भाई, और आप भी बताओ, क्या तुमने अल्लाह के नबी को भी दावत दी है कि नहीं दी है। मैं आपसे पूछूंगा कमर भाई, किन किन लोगों को बुलाया है। कहेंगे हजरत मैंने अपने मकान पर अमीरों को भी बुलाया, गरीबों को भी बुलाया, मैंने बस्ती के लोगों को भी दावत के जरिए अपने घर पर बुला लिया, अपने रिश्तेदारों को बुला लिया। मैं पूछूंगा रिश्तेदारों को कैसे बुलाया। कहेंगे कार्ड के जरिए, किसी को व्हाट्सएप, किसी को फेसबुक, किसी को सोशल मीडिया के जरिए मैंने दावत देकर के उनको अपने मकान पर बुला लिया, अपने मामू नाना खाला खालू चचा चची तमाम लोगों को अपने मकान पर बुलाया। मगर गुलाम बरकाती तुम कहते हो मदीने के ताजदार को बुलाया कि नहीं बुलाया। मैं कमर हूँ, गुनहगार इंसान हूँ, आमिना के लाल मेरे मकान पर कैसे आएंगे, क्या मुस्तफा के कदम मेरे मकान पर पड़ेंगे, अगर पड़ेंगे तो नबी को कैसे दावत दूँ। मैंने कहा सुनो, कान खोल करके तमाम रिश्तेदारों को बुलाया, तुमने कार्ड के जरिए, अगर आमिना के लाल को बुलाना है अपने मकान पर नबी का मिलाद बनाओ, मदीने के ताजदार तुम्हारे आ जाएंगे, मदीने के ताजदार। अरे बोलो, कितने लाई के मुबारकबाद हैं आप, कैसे दौरे फिर पितन में आपने इन उलमा को बुलाया, शादी का प्रोग्राम। आओ मैं तुम्हें बताऊं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये शादी का प्रोग्राम, मेरे आका फरमाते कुर्बे कयामत लोग चार चीजों की वजह से अपने बेटों के निकाह करेंगे। कितनी चीजों की वजह से, जरा सब बोले। पहले नंबर पर तलाश करेंगे माल, माल कितना मिलेगा। और मैं ये अर्ज कर रहा था इसके मुस्तफा अता क्या करेगा। अगर तुमने आमिना का लाल आम मुस्तफा का प्यार मांगा तो ये प्यार तुम्हें देगा क्या। प्यारे मुस्तफा का अगर इश्क अता हो जाए तो दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे।
अरे बोलो जरा तड़प के या रसूल अल्लाह, कैसे? मैंने कहा देख बदर की तारीख को, तवज्जो है, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। बदर के मैदान में नबी के गुलाम आए, आका मेरे पास तलवार नहीं है, मैं दुश्मनों का मुकाबला कैसे करूंगा? मेरे नबी ने फरमाया गुलाम परेशान ना हो, सामने खजूर का दरख्त टहनी तोड़ कर के ला। सहाबी तोड़ कर के गए खजूर की टहनी लाए, मेरे मुस्तफा ने अपने दस्ते अनवर को लगा दिया, फरमाया अब मैदान में उतर जा। मुझे बताओ सईद भाई, अगर बहेड़ी से आपको आवाज लगाएं, आओ मैदान में लिखनो नबी के नामों से खिलवाड़ हो रहा है, नबी की इज्जत पर उंगलियां उठाई जा रही हैं, तो क्या बहादुरगंज का कोई भी नौजवान चूड़ी पहनकर अपने घर में बैठने को तैयार होगा? अरे बोलो, कोई भी नौजवान अपने घर में बुरका पहनकर बैठने को तैयार होगा? ये तमाम के तमाम मैदान में निकलोगे, और जब मैदान में पहुंचो और सईद भाई आपके हाथ में एक लाठी और डंडा दे दे और कहें चलो मुकाबले के लिए, तो आप कहोगे सईद भाई ये दौर लाठी और डंडों का नहीं है, ये लाठी और डंडों की आज के दौर में हैसियत क्या है? क्या आप ये चाहते हैं कि हम मर जाएं तो हमारे बच्चे यतीम हो जाएं? क्या आप ये चाहते हैं कि मेरी बीबी बेवा हो जाए? क्या आप ये चाहते हैं कि मेरी माँ का प्यार छिन जाए? क्या आप ये चाहते हैं कि मैं अपने बाप का जो बुढ़ापे का सहारा हूँ छिन जाऊं? क्या आप ये चाहते हैं कि मैं इस दुनिया से चला जाऊं? मैं लाठियों डंडों से मुकाबला नहीं कर सकता प्यारे, ये तेरा और मेरा हाल है। मैंने यही सवाल नबी के उस दीवाने और गुलाम से किया, जब तुझे नबी ने एक खजूर की टहनी पर हाथ लगा करके मैदान में उतार दिया, तूने नबी से क्यों नहीं पूछा पैगंबर इस्लाम उनके हाथ में तलवारें हैं, उनके हाथ में नेजे हैं, उनके हाथ में बर्छियां हैं, मैं उनका मुकाबला कैसे करूंगा? ए आका, क्या आप ये चाहते हैं मेरे बच्चे यतीम हो जाए? क्या आप ये चाहते हैं कि मेरी बीबी बेवा हो जाए? तो आज भी उस आशिक का जवाब आता है, नादान जिनके मुकाबले में हम उतरे थे उनका भरोसा लाठी और तलवार पर था और हमारा भरोसा अमीना के लाल पर था। हमारा भरोसा अहमद मुख्तार पे था। आपने शादी के प्रोग्राम को सजाया, लाई की मुबारकबाद है आप, अल्लाह इसकी बरकतें दुनिया और आखिरत में अता फरमाए। हदीस पाक में है लोग माल तलाश करेंगे, क्या तलाश करेंगे बोलो जरा, होता है कि नहीं होता है? ये बीच वाले को यहां क्या बोलते हैं? अरे बोलो, कोई बीच में रिश्ता करवाता है कि नहीं करवाता है? अरे बोलो यार, बिचौलिया बिच भाई। हाँ तो हाजी जी कह रहे हैं सईद भाई कोई रिश्ता करवाओ बेटे का। अरे हाजी जी कोई मांग वांग तो नहीं है? ना ना हमारी कोई मांग नहीं है जी। और ये समझ ले यो, अगर जो ये कह दे ना हमारी कोई मांग नहीं है, इल्ला माशाल्लाह, कोई ये कहे कि हमारी कोई मांग नहीं है, तो समझ लियो इससे बड़ा झूठा ना कोई। समझ रहे हैं कि हमें कुछ ना चाहिए? और जब शादी करीब आती है ना, कि वो जो हमारे चार बराती आएंगे ना, उनकी इज्जत कर लियो, लड़की वालों से कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे बोलो यार, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हमारे जो मेहमान आएंगे उनकी क्या करना है? कभी उसका दामन पकड़ के पूछिए, तेरे ही मेहमान इज्जतदार है, हमारे जो मेहमान आएंगे वो बेइज्जते हैं क्या? अबे जो हमारे घर आएंगे वो बेइज्जते हैं, तेरी इज्जतदार है। बड़ा अजीब तरीका निकला है मांगने का। वो दादी जिसने जिंदगी में पान न खाया, पोते के रिश्ते में चली है, जा रही है पोते के रिश्ते में, बैठ के हो, हमें तो जैसी लड़की चाहिए चाहिए थी वो तुम्हारे घर में मिल गई, ऐसी लड़की की तलाश में थे हम तो,
तुम्हारे घर में मिल गई, लड़की वाले भी खुश हो गए। क्या अच्छा, मगर वो हमारे महल्ले में जो हाजी जी रहते हैं, वो हमारे बेटे का रिश्ता करवा रहे थे, 1 लाख रुपए दिलवा रहे थे, मिलने होंगे तो यहीं से मिल जाएंगे। हमारी देखो कोई मांग नहीं है। वो ये कह रहे कि शादी पे बुलेट दिलवा दूंगा। अब बताओ बुलेट से भी कम क्या मिलेगी, और कैसे मांगोगे भाई, कैसे मांगोगे? और सईद भाई यार अपने माहौल में चेंजिंग लाओ। क्या तेरा ईमान इतना सस्ता हो गया कि एक सेल्फी फोन में बिकेगा, एक स्प्लेंडर के चक्कर में तू अपना ईमान बेचेगा? लेकिन मेरी कौम के बेटो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, बताओ फोनों पर रात को 2-2 घंटे से वाली गुफ्तगू करने वालों, आज रातों की तन्हाइयों में मेरी कौम का बेटा एक मकान के कोने में, गली के एक तिराहे पर जाकर के दूसरे की दी बेटियों से बात करने वालों, क्या तुम जिसकी बेटी से बात कर रहे हो, अल्लाह ने अगर तुझको कल बेटी दी और तेरे साथ में खेल खेला गया तो क्या होगा तेरे दिल पर, क्या गुजरेगी? जिसकी बहन से तू बात कर रहा वो भी किसी ना किसी की बहन है, ये इस्लाम का मिजाज नहीं है, ये बेगैरती है, ये बेगैरती है। आज अगर बाप ने रिश्ता कर दिया बेटे का, तो बेटा कह रहा मैं ना करूंगा वहां से, मैं अरे यार मुस्कुरा रहे भाई, कितने केस हमारे सामने आते हैं ऐसे। बाप अपनी दस्तार कदमों पर रख के कहता मेरी इज्जत का सवाल है, मैं अपनी जुबान दे चुका हूं। मालक समझाती है, कहता है भाड़ में जाए तुम्हारी इज्जत, शादी करूंगा तो फुलासी करूंगा। लड़की भी कह रही है शादी करूंगी तो फुलासे करूंगी वरना नहीं करूंगी, ये मिजाज कहां से आया? बदलो यार अपनी रविश को, शाम के वक्त में अपने बच्चों को बिठा कर के जरा थोड़ी देर हुसैन की दास्तान भी तो सुनाओ, पूरे दिन का कारोबार का हिसाब, लेकिन अपने बेटे के लिए टाइम नहीं है कि उंगली पकड़कर मस्जिद के इमाम के पास लेकर के जाएं, टाइम नहीं है हमारे पास कि अपनी बेटी को फातिमा की चादर की दास्तानें सुनाई जाएं, हमारे पास वक्त नहीं है कि करबला की ज़ैनब की उन आहों के बारे में बताया जाए। जब कल बेटी घर से फरार होती है ना, तो कहते हैं हमारी नाक कटा के चली गई। कल बेटी और बेटे के बारे में कोई घर में कह दे ना आके, कदम अच्छे नहीं है तुम्हारे बेटे के, समझे तो घर में कोई लड़े ना लड़े, मगर वो जो अम्मा है मेरी को तो उड़ा रहे हैं, समझे? हमारे तो घर को उड़ाने के चक्कर में लगे हुए हैं, और जब घर से फरार हो गई, घर से चला गया, अब कहते समाज ने जीने का नहीं छोड़ा, हमारी नाक कटा दी। एको में मुस्लिम के बेटो, मेरे शहर में वो बात आ रही है, मैं तुझे बताऊं, पैगंबर इस्लाम को रास्ते में रोका किसने? रास्ते में रोका हजरत खदीजा की सहेली नफीसा ने, रोक करके कहा ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, मैं निकाह का पैगाम लेकर आई हूँ। मेरे नबी ने फरमाया ए नफीसा, किसके निकाह का पैगाम लाई हो? कहा हजरत खदीजा के निकाह का पैगाम लाई हूँ। ओ नबी के दीवानों, ओ मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, ओ शमे बज़्मे हिदायत के परवानों, कान खोल करके सुनो, मेरे नबी ने हजरत नफीसा से फरमाया ए नफीसा, अपनी सहेली से कह देना शरीफ लोगों के रिश्ते बाजारों में तय नहीं होते, शरीफ लोगों के रिश्ते तो उनके माँ बाप तय करते हैं, शरीफ लोगों के रिश्ते, अरे बोलो यार, शरीफ लोगों के रिश्ते उनके माँ बाप तय करते हैं, शरीफ लोगों के रिश्ते उनके खानदान के लोग तय करते हैं, अरे बोलो यार, खानदान के लोग तय करते हैं भाई बैठ के, शरीफ लोगों के रिश्ते, शरीफ लोगों के रिश्ते उनके माँ बाप तय करते हैं, मगर ये क्या मामला है? अपनी कमी कमी नजर नहीं आती, अपनी कमी कोई कमी नहीं। मस्जिद के इमाम ने अगर 1 मिनट देर कर दी ना, फजर में अदान पढ़ दी, कोई भी नमाज को नहीं आया, कोई नहीं आया, इमाम साहब से कहियो कि 10 मिनट के बाद फिर पढ़ दो दोबारा अजान, आधा महल्ला मस्जिद के गेट पे होगा,
हाँ इमाम साहब तुम्हें बड़ी रोटी लग रही है, डबल डबल हाथ मार रहे हो क्या? ये हालात हैं, ये हमारी मस्जिद के इमाम हैं मेरे भाई, इनकी कदर करो। अरे बोलो यार, मेरी कदर बाद में करो, सईद भाई की कदर बाद में करो, पहले अपने मस्जिद के इमाम की कदर करो, तब खत्म होंगी ये परेशानियां। मगर इमाम को कहां सोच रहा है, इमाम ने कह दिया ना 1000 रुपए तनख्वाह के बढ़ा दो तो आधे महल्ले के पेट में दर्द होके मर जाएंगे। इमाम साहब चैन ना पड़ रही, इतने काफी ना है क्या? और बाज बाज तो ये कह रहे ना इमाम साहब तुम्हें क्या जरूरत है पैसे की। इमाम को कहां दो, अभी इमाम साहब को घूर के मत देखो, कभी सोच रहे हो कि इन्होंने चढ़ा तो ना दिया। हाँ समझे, कदर करो यार, ये हकीकत है। अगर मर जाओगे तो नमाज़े जनाजा पढ़ाने मुरादाबाद से मैं नहीं आऊंगा। तेरे बेटे के सर में दर्द हो तो कुरान की आयतें पढ़ने मैं मुरादाबाद से नहीं आऊंगा। यही तेरी मस्जिद का इमाम आएगा। सर्दियों की लंबी लंबी रातों में जब कोहरे आते हैं, हवाएं सर्द चलती हैं, तो फजर के वक्त मुसल्ले पर बैठ कर इमाम अपने खानदान फैमिली के लिए बाद में दुआ करता है, अपनी बस्ती के लिए पहले दुआ करता है। यार इज्जत करो यार, इनकी कदर करो इनकी, समझ रहे हैं? अगर कदर महल्ले में अगर कोई निकाह आ जाए ना सईद भाई, तो फिर तुम महल्ले के लोगों को आलम देखो सुबह से। इमाम साहब, इमाम साहब क्या नहीं, इमाम साहब आप तो लग गई और जुल्म